जैसलमेर से बड़ी खबर है, सुजलॉन कंपनी में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। सुजलॉन कंपनी का पवन ऊर्जा संयंत्र गिरा है, टावर सहित पूरा संयंत्र धराशायी हुआ। बड़ा बाग गांव मूलाराम माली के खेत में ये संयंत्र गिरा है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और इसी जगह पहले भी पवन ऊर्जा संयंत्र गिरा था। पवन ऊर्जा कंपनी सुजलॉन की ये बड़ी लापरवाही है, मेंटेनेंस ना होने से संयंत्र गिरने की ये खबर मिल रही है। संयंत्र गिरने से करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये जरूर रही कि किस तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जैसलमेर से बड़ी खबर है, सुजलॉन कंपनी में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। सुजलॉन कंपनी का पवन ऊर्जा संयंत्र गिरा है। ये तस्वीरें देखिए, टावर सहित पूरा संयंत्र धराशायी हुआ। बड़ा बाग गांव मूलाराम माली के खेत में संयंत्र गिरा है। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन इसी जगह पूर्व में भी पवन ऊर्जा संयंत्र गिर चुका है, यानी ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पवन ऊर्जा कंपनी सुजलॉन की बड़ी लापरवाही नजर आती है, और अगर पहले हुआ था तो इसके बाद इस चीजों को लेकर गंभीरता क्यों नहीं बरती गई, क्यों एहतियात नहीं बरता गया, क्यों प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया गया, ये बेहद अहम सवाल है। और जैसलमेर से संवाददाता सुरवीर सिंह तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरवीर, देखिए बड़ी घटना है, बड़ा हादसा है, लेकिन बड़ी बात तो है कि सुजलॉन कंपनी में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है जिससे कोई सबक नहीं लिया गया। फिलहाल जानकारी जरूर चाहेंगे इस लापरवाही को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर का जो बड़ाबाग क्षेत्र है, उस बड़ाबाग क्षेत्र में जो कई सबसे पहले स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जब पवन ऊर्जा संयंत्र लगे थे, तो उस समय ये संयंत्र स्थापित है वो किए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके तहत ये पवन ऊर्जा संयंत्र है वो यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन अब सुजलॉन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि बीते 6 महीने पहले इसी जगह पर एक पवन ऊर्जा संयंत्र गिरा था, एक बार फिर से पवन ऊर्जा संयंत्र गिरा है, वो टावर समेत धराशायी हो गया है और एक खेत के अंदर जाके गिरा है। गनीमत ये रही कि किसान परिवार पास में नहीं था, कोई पशुधन पास में नहीं था, जिससे कोई बड़ी हादसा नहीं हो सका। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की एक तस्वीरें कहा जा सकती है, लापरवाही कहा जा सकती है, क्योंकि करोड़ों की लागत से जिस तरीके से पवन संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की कमी के कारण जिस तरीके से ये आए दिन है वो धराशायी हो रहे हैं और करोड़ों का नुकसान वो लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसलमेर का बड़ाबाग क्षेत्र है और बड़ाबाग क्षेत्र के इलाके में हजारों की संख्या में जैसलमेर में इन दिनों पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, और उस पवन ऊर्जा संयंत्र के तहत ये जो विंड एनर्जी का जो प्लांट लगा हुआ था वो धराशायी हुआ। कंपनी आखिर क्या सफाई से लेकर देती है, क्योंकि लापरवाही तो कंपनी की है ये साफ नजर आता है। बहुत शुक्रिया सुरवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।